ये फ्रेंड्स, पेन किलर्स किस तरीके से किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, पेन किलर्स किडनी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि किडनी काम कैसे करती है। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। जिस तरीके से शरीर की जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं, इसी तरीके से किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है या जो काम करने की इकाई है उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अब ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, नेफ्रॉन बेसिकली कुछ पार्ट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं किस तरीके का होता है। नेफ्रॉन की जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, यानी कि जहां से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल कुछ इस तरीके का होता है। बोमन कैप्सूल के अंदर जो होता है वो ग्लोमेरुलस होता है। ये ग्लोमेरुलस ही बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। अब उसके अलावा नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट होते हैं, एक तो बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले कहलाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले के बाद में असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले कहलाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले के बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बाद में कलेक्टिंग डक्ट। ये एक नेफ्रॉन की बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम समझते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस या बोमन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की। अब हम समझते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है कि जो किडनी की ब्लड सप्लाई है वो फाइनली टर्मिनेट होती है आर्टेरियोल्स में। एक कहलाती है एफरेंट आर्टेरियोल, ये ग्लोमेरुलस है, और ये सपोज एफरेंट आर्टेरियोल है, यानी कि ग्लोमेरुलस के फॉर्मेशन में इस एफरेंट आर्टेरियोल का रोल है। उसके बाद में इस ग्लोमेरुलस से बाहर सप्लाई निकल जाती है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो ग्लोमेरुलस है ये इसी आर्टेरियोल का कैपिलरी नेटवर्क है, एक गुच्छा है, एक नेटवर्क है जो कि इस के फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलस के फॉर्मेशन को करता है, और यहीं से बेसिकली यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एफरेंट आर्टेरियोल बेसिकली डायमीटर में चौड़ी होती है। जब ये आगे बढ़ती है तो ये कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। इस कैपिलरी नेटवर्क के बनने के बाद फिर यहां से ब्लड जो है वो निकल जाता है यूरिन के फॉर्मेशन के बाद। अब ये इसका डायमीटर छोटा होता है, इसका डायमीटर बड़ा होता है, इसका ल्यूमन बड़ा होता है, इसका ल्यूमन छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? इससे ये होता है कि इसका ल्यूमन बड़ा होने की वजह से ज्यादा ब्लड आता है कैपिलरी नेटवर्क में, वो ब्लड यहां आता है, लेकिन इसका ल्यूमन छोटा होने की वजह से ब्लड उतनी तेजी से बाहर नहीं निकल पाता। जब ब्लड उस उतनी तेजी से बाहर नहीं निकल पाता तो उसको यहां रुकने में थोड़ा टाइम लेता है, वो यहां रुकता है ब्लड थोड़े समय के लिए। यही समय रेस्पॉन्सिबल होता है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, और ये यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली हमें यह समझना होगा कि ये जो डायमीटर का चौड़ा होना है और इधर डायमीटर का छोटा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस तरह की मैकेनिज्म ना हो तो यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं होगी, किडनी काम नहीं करेगी। इस डायमीटर को बड़ा रखने के लिए कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे प्रोस्टाग्लैंडिंस। ये जो पेन किलर्स हैं जो कि किडनी को नुकसान करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर डिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सोन और बहुत सारे पेन किलर्स हैं, ये क्या काम करते हैं, ये इस डायमीटर को या ये जो एफरेंट आर्टेरियोल की ल्यूमन बड़ी है इसको कम कर देते हैं। कैसे? ये ऐसे कम कर देते हैं कि वो जो सब्सटेंसेस हैं जो इसको बड़ा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसके ब्लॉक होने की वजह से इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा। जब इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा तो ब्लड जिस स्पीड से इस अंदर आएगा उसी स्पीड से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के डायमीटर अब बराबर हो गए। पहले क्या था, इसका डायमीटर छोटा था, इसका डायमीटर बड़ा था। इसका डायमीटर बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड तेजी से गया बट उतनी तेजी से निकल नहीं पाया। उतनी तेजी से जब वो नहीं निकल पाया तो यहां रुकने का समय मिल रहा था, लेकिन पेन किलर्स ने एक काम किया कि उन सब्सटेंसेस को जो कि इसके डायमीटर के बड़े होने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उसको डैमेज कर दिया या उसको ब्लॉक कर दिया। वो ब्लॉक होने की वजह से वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म जो कि इस ब्लड के या कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड के रुकने से होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, और इस तरीके से किडनी को डैमेज हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये एक मैकेनिज्म।